My baby has come. क्या लिया है? रोना चाह रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये सारा सामान देखे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, उस ट्रिप के लिए मैंने एक चीज ली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वहाँ के नज़ारों को कैच करने के लिए, एंड दैट इज DJI Mini 2। इसके भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आपको हिंट दे सकता हूँ मैं। वी आर गोइंग टू द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, जरा पकड़े हुए इसको, जिसके लिए हमने ये बहुत ही कॉम्पैक्ट जैकेट्स लिए हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बाइक राइड्स करेंगे और ये इतनी बड़ी जैकेट इतने छोटे से में पैक हो जाती है। सी, ये अनबॉक्सिंग उसकी थी, ये जैकेट की अनबॉक्सिंग है। दोनों की अनबॉक्सिंग है। सी, इतनी बड़ी जैकेट इतने से में आ गई है। ये दूसरी जो है ये इसकी है जो इस टाइम ब्लॉग बना रही है। इसलिए कहते नहा लिया करो। खैर, ट्रिप के बाद में करेंगे। सॉरी, ये टेढ़ा हो गया। सो ट्रिप के बाद में करेंगे कहाँ जा रहे हैं। शायद कुछ लोगों को पता भी है, अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। और अभी मेरा मेन मोटिव है इसकी अनबॉक्सिंग करना आप लोगों के साथ, बिकॉज आप लोगों के प्यार की वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो करें जरा अनबॉक्स, इसको उड़ाएँ फिर। जल्दी पकड़ो। सो दिस इज DJI Mini 2, एक ऐसा ड्रोन जो कि नैनो कैटेगरी में आता है, और इसका जो मास है दैट इज़ 249 ग्राम, जो कि 250 से कम होना चाहिए। तो आपको इसके लाइसेंस नहीं चाहिए, इसको कहीं पर भी आप उड़ा सकते हो, बट परमिशन लेनी पड़ती है, बट इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मैंने इंडिया में लिया है, आज ही लिया है अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि मुझे कल जाना है। सो आई बॉट इट फॉर 59,000। इसका ये जो कॉम्बो पैक है जिसके अंदर 3 बैटरी एक्स्ट्रा आती हैं और एक्स्ट्रा कुछ ब्लेड्स आते हैं, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। बाकी अंदर क्या है दिखाता हूँ मैं आपको, ज़्यादा बिना बकवास किए। अच्छा, हमको ब्लेड भी ले आना है, मुझे लग रहा है ना उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके लिए पहले हमको ब्लेड चाहिए होगा ना। खुशी। ले तो लिया, खुलने के से पता नहीं लग रहा मुझे, अपना खुल रहा है वो। सो दिस इज द मोमेंट, टाडा, DJI का बैग साथ में आता है इसके, जो कि वेरी गुड है ना। लग रहा है इतना सारा सामान इसमें आ जाएगा सारा। हाँ हाँ, इसमें बहुत सारा सामान। एक्चुअली ड्रोन बहुत छोटा और बहुत फुल पावर ड्रोन है ये वाला। इसका साइज पे मत जा, पहले क्या निकालूँ बता, जल्दी बता, जल्दी बता। पहले पहले ये निकालते हैं। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। ओह, ये तो बहुत ही बड़ा है। मुझे कहा था मोबाइल जितना है। सॉरी, बहुत ही एक रैप से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, एक्साइटमेंट ही इतनी है। ओके, सो ये इसका रिमोट कंट्रोलर है जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितना उड़ना है, कहाँ लेफ्ट जाना है, कहाँ राइट जाना है, ब्ला ब्ला। चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बाकी मेन चीज़ रुकने जा रहा है मेरे से, ये है उड़न तश्तरी हमारी, दौड़ना चाह रहे हो भाई साहब। कितना छोटा है यार, देख मेरे हाथ पे आ गया ये, और ये 4K केपेबल है, तेरे को पता है। सही है यार। और ये इसका इधर गिम्बल और कैमरा है, और यार बहुत छोटा है यार, मैंने गिम्बल इसमें होता है, तेरे हाथों को तो चाहिए, तेरे पार्किंसन वाले हाथ जो है ना, इसके अंदर नहीं आएगा, ऐसा शेक नहीं आएगा इसके अंदर। बाकी पॉइंट है बहुत छोटा है। अरे खोल के दिखाना उसको पहले। अच्छा, खोल के दिखाऊं? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड एट अनबॉक्सिंग, तो मैं भूल गया था इसको खोल के भी दिखाना होता है। सो ये इसका कोई एक लॉक है मे बी। ओके, बटन लगा हुआ है इधर। ये हटाने के बाद इसकी पंखुड़ियाँ ये गुलाब सी हैं। अरे यार कितना ये छोटा है यार। इसकी रेंज और हाइट काफी ऊपर है, लेकिन इंडिया में एक्चुअली इसका एक ड्रॉबैक है, अगर आप इसको इंडिया में ले रहे हो तो इसकी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जिस पे आप इसको उड़ा सकते हो दैट इज 15 meters। इसके कुछ हैक्स हैं, बट स्टिल जो इसकी गवर्नमेंट रिकमेंडेड हाइट है वो 15 meter है, उसके ऊपर नहीं जाता, जबकि इसकी रेंज आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ मीटर में है, मुझे एक्यूरेटली नहीं पता, एक्यूरेट रेंज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, 15 से उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये ड्रोन था इसका। उसके बाद इसके साथ में क्या क्या मिलता है, कुछ एक्सेसरीज हैं इसके साथ, ये इसके कनेक्शन के लिए केबल्स हैं टाइप सी टू टाइप सी, जो भी हम फिगर आउट करेंगे करने के हैं इनका। एग्जैक्टली, एज यूजुअल हमारी फ्लाइट 6 घंटे में है। और सी थोड़ा सा अनबॉक्सिंग से पिक्चर के लिए दिखाए थे कि हमारा अभी इतना सारा सामान बस बाहर निकला है, अभी हमने कुछ पैक नहीं करा। ये हार्ड ड्राइव है, एंड ये कुछ GoPro के कुछ एक्सेसरीज हैं, GoPro है, और ये Alpha 7C की बैटरीज हैं, ये मेरा एक सेकेंडरी कैमरा है, मैकबुक, यहाँ पर सर्दी कपड़े, तो पता लग गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं।
बाकी ये एनडी फिल्टर है मेरे कैमरा के लिए जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ और एक्सेसरीज। बाकी मतलब अभी पूरा सामान नहीं है, ये पूरा सामान तो अभी खैर अभी उस बैग में आएगा, इस बैग में आएगा। तो 6 घंटे में आपको सब कुछ करना है, और 6 घंटे में मुझे सीखना है कैसे इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं, और इसकी ऐप डालनी है, कनेक्शन करने हैं। सो बैक टू अनबॉक्सिंग। तो इसमें क्या क्या था, इसमें था एक ये कनेक्शन के लिए वायर, और ये है आई थिंक इसका बैटरी चार्जर होगा ये। यस, इसमें 2 बैटरीज भी हैं और इस साथ में बैटरी चार्जर भी है इसके अंदर, और इसमें एक साथ 3 बैटरी चार्ज हो सकते हैं, 2 इसके अंदर दी हुई हैं। तीसरी कहाँ है भाई साहब, तीसरी बैटरी राइट साइड पे देख, कहीं ड्रोन में तो नहीं है? अब ड्रोन में बैटरी है या नहीं है कैसे पता लगाएं? ओके, और की अनबॉक्सिंग देख ले। गुड वन। तो ये है इसकी तीसरी छुपी हुई बैटरी, इसको निकालते कैसे लगता है मुझे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखनी चाहिए थी इसको अनबॉक्स करने से पहले, बट नहीं यार, एक्सपीरियंसेस शुड बी रॉ। ओके, तो इसके अंदर ये बैटरी है, मैं निकाल नहीं रहा, मुझे नहीं आती निकालनी अभी, ये अभी उड़ाना भी नहीं आता, बट आई लर्न फॉर श्योर। अच्छा, इसमें यहाँ पर डलता है SD कार्ड, यहाँ पर इसकी चार्जिंग के लिए ये टाइप सी पोर्ट है इसका, और ये इसके सेंसर्स हैं 2, इसके आर्म्स पर करीना है इसकी। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसके सिर्फ सेंसर्स नीचे की तरफ हैं जो इसकी ऑल्टीट्यूड को सेंस करते हैं, कब ये लैंड करना है, कहाँ लैंड करना है, और इसके लेफ्ट साइड पे या इसके राइट साइड पे इसके आगे सेंसर्स नहीं है जो कि होने चाहिए, ऐसे में ये टकराता कम है, थोड़ा स्मार्ट हो जाता है, जो कि मैविक प्रो जो आते हैं, मैविक 2 प्रो हो गया इसमें है, बस इसमें यही है कि थोड़ा ध्यान से उड़ाना पड़ेगा हमें इसे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो वैसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे नहीं। बता मत लोगों को अभी, लेट देम डिसाइड। और हाई कोर्ट चीज यार, लास्ट जो हमारी सीरीज थी अंडमान सीरीज, उस पर प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया, बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स देख के इतने सारे बढ़ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और इस सीरीज पे भी ऐसे प्यार देना जो आपकी नेक्स्ट आने वाली है, जिसमें अब आपको दिखेगा कि एक और कैमरा ऐड हो गया हमारी कलेक्शन में, तो आपको एक और एंगल से देखने को मिलेंगे चीज़ें बहुत सारी, और हमें भी मज़ा आएगा रिकॉर्ड करने में। तो अभी फिलहाल इसको उतार के दिखाता हूँ मैं आपको, उसका गिम्बल कैसा है। ओके, गिम्बल साथ में टेप के खुड़ गया इसके। तो ये जो इसका दिख रहा है आपको भूला भाला सा, ये जो पार्ट है ये इसका गिम्बल है, कितना छोटा है यार, देखो जरा, टिंग 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 टिंग। अच्छा, इसमें LED भी है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, तिरली पिंक। ओके, तो ये हो गया ड्रोन, द्रोणाचार्य हमारा, और ये इसका कंट्रोलर जो कि मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और इसके यहाँ की तरफ हम लगा सकते हैं अपना कोई भी डिवाइस, एप्पल या एंड्रॉयड, और ये कनेक्ट हो जाता है उससे। इसमें ऑप्टोसिंक भी है जिसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, और इसमें है कुछ पेपर जो कि दुनिया की सबसे इग्नोर्ड चीज़ में से एक होती है, बट हम इसको इग्नोर नहीं करने वाले, एक बार खुल के देख लेते हैं इसमें क्या है, सिर्फ देखेंगे, इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, बस देख लिया। बस ठीक है, फिर अब इसके बाद जरा फ्लाइट उड़ाते हैं। वायर का है जिससे कनेक्ट करते हैं कंट्रोलर, ये तो नहीं इसकी वायर। ओके, एक ही है इसमें वायर, अगर मेरे पास एप्पल डिवाइस हो तो। इतनी अनबॉक्सिंग करनी देखी होगी आप लोगों ने, इतना खोल खाल के देख लिया इसमें मैंने, बट इसमें मुझे वायर दिखी नहीं है, और एप्पल के लिए हो सकता है कहीं और छिपी हो। अच्छा, इसमें भी कुछ है क्या? ओह, दीज आर एक्स्ट्रा ब्लेड्स, ये भी रह जाता, सो दीज आर एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, ये एक्स्ट्रा ब्लेड्स हैं, ठोकने टूटने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स हैं इसकी, कॉम्बो पैक में सब एक्स्ट्रा मिलता है, जो मेन ड्रोन आता है उसमें वैसे सिर्फ ये और एक बैटरी होती है साथ में, और कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। बट दिक्कत तो यही है कि हमारी वो वाली वायर कहाँ यार, लाइटनिंग। चलो ठीक है, इसको जरा अगर हमें वो वायर मिल जाती है तो इसको हम लोग अभी उड़ा के देखते हैं, और एज पर द रूल पहली फ्लाइट कहाँ पर होती है, घरों के अंदर, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बट कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, रात हो चुकी है अभी, तो हम लोग घर में उड़ाएंगे इसको, अगर ठुक गया ठुक गया, बहुत पैसा है कि मैं नहीं, मतलब घर में ठुकेगा ना, और कहाँ जाएगा, खोएगा तो नहीं ना एटलीस्ट। अच्छा, चलो जरा इसको उड़ा के दिखाते हैं, लेट्स गो।
फ्लाइट तो हो गया सक्सेसफुल बिना ठोके, 10 में से 5 लोग ठोकते हैं जो घरों में उड़ाते हैं, बट मैंने बिना ठोके इसको उड़ा दिया और लैंड करवा दिया। चलो मैं इसको यूज करेंगे अगले हमारे ट्रेवल ब्लॉग के अंदर, सो सी बाय।